दोस्तों, समंदर में चीन को जवाब देने की तगड़ी तैयारियों के बीच भारत ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपनी दूसरी बेहद घातक परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। भारत की ये पनडुब्बी न केवल परमाणु ऊर्जा से चलती है बल्कि परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि भारत समंदर में किसी गुस्ताखी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से भी कई मामलों में ज्यादा ताकतवर है। 1983 में ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए स्वदेशी न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने के प्रोजेक्ट ने बहुत बड़ा इतिहास कायम किया है। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया को ये बता दिया है कि भारत अब ऐसी पनडुब्बियां बनाने में सक्षम है जो समंदर से परमाणु ताकत से लैस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकती हैं। तो दोस्तों, समंदर में भारत की बेतहाशा ताकत को बढ़ाने वाली इस बवंडर परमाणु पनडुब्बी की ताकत, क्षमताओं और इसे बनाने के पीछे भारत के सीक्रेट प्लान के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। भारत की ये ऐतिहासिक कामयाबी आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। और आगे बढ़ने से पहले भारतीय नौसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हिंद महासागर में चीन नहीं कर पाएगा जबरन घुसपैठ। हर हिमाकत के जवाब देने को मौजूद रहेंगी अरिहंत अरिघात के 4 मिसाइलों के भयानक बवंडर से दहल जाएगा बीजिंग। दोस्तों, नौसेना की दूसरी परमाणु पनडुब्बी मिलने के बाद भारत की समुद्री ताकत में बवंडर इजाफा हो गया है। अब समंदर में हर वक्त पनडुब्बियां मिशन पर रह सकेंगी। वहीं परमाणु हमला करने में सक्षम ये सबमरीन अब भारत के समुद्री इलाके में दुश्मन चीन की हर गुस्ताखी का ताबड़तोड़ जवाब देंगी। ये दोनों पनडुब्बियां परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों से लैस हैं। जाहिर है कि ये परमाणु पनडुब्बियां हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती हैं, इस वजह से ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। INS अरिघात काफी पहले बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसका लंबे वक्त तक ट्रायल किया गया है और हर जरूरी टेस्ट से गुजरने के बाद आखिरकार आज इसे नौसेना में शामिल कर दिया गया है। वहीं अगर INS अरिघात की बात करें तो ये INS अरिहंत से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। 750 किलोमीटर की रेंज वाली के 15 मिसाइलों से लैस है अरिघात। अरिहंत कैटेगरी की दूसरी मिसाइल सबमरीन INS अरिघात के ब्लेड प्रोपेलर वाटर रिएक्टर से ऑपरेट होते हैं। समुद्र की सतह पर इसकी रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, जबकि समंदर की गहराई में ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ये पनडुब्बी 3500 किलोमीटर की रेंज वाली 8 K4 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। परमाणु पनडुब्बी होने की वजह से ये महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती है। डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों के मुकाबले ये कई गुना तेज रफ्तार से चलती है, यहाँ तक कि ये सतह में चलने वाले जहाजों की बराबरी कर सकती है। न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम ये सबमरीन भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देती है। भारत लंबे वक्त से समंदर में अपनी ताकत में इजाफे के लिए काम कर रहा है और 1983 में ही ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत भारत के लिए स्वदेशी परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी बनाने का फैसला किया गया था, जिसके लिए लंबी जद्दोजहद की गई। भारत की तमाम गैर सरकारी कंपनियां के साथ साथ छोटे लघु उद्योगों से भी मदद ली गई, जबकि जरूरत के हिसाब से विदेशी मित्रों से भी मदद ली गई और आखिरकार भारत आज परमाणु हमला करने वाली 2 ताकतवर पनडुब्बियां नौसेना में शामिल कर चुका है, जबकि तीसरी भी बनकर तैयार है और उसका ट्रायल किया जा रहा है। तीसरी पनडुब्बी का नाम S3 है। भारत ने लंबे वक्त तक अपने इस मिशन को छुपाकर रखा था। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया था। इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, जबकि सरकार 2 और घातक परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियों को बनाने जा रहा है, जिनके लिए किसी भी वक्त सरकार परमिशन दे सकती है। जबकि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत 6 डीजल पनडुब्बियां तैयार कर चुका है और अब प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 AIP तकनीक से लैस डीजल पनडुब्बियां तैयार करने जा रहा है। इसके लिए वो जर्मनी की कंपनी से करार कर सकता है। पहली परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत के नौसेना में शामिल होने के साथ भारत पहले ही अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। मतलब भारत जमीन से, हवा में लड़ाकू विमानों से और समंदर के अंदर से पनडुब्बियों से परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है। भारत ने अपनी K सीरीज की मिसाइलें खास इसी मकसद से तैयार की हैं।
भारत अब लगातार इस क्षमता को बढ़ाने में लगा है। इस मिशन में अरिहंत के बाद अरिघात की जबरदस्त एंट्री दुश्मनों के होश उड़ाने वाली है, क्योंकि ये अरिहंत से भी घातक है। जहां अरिहंत के 15 या BO-5 शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें ले जा सकती हैं, जबकि 4 के 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। वहीं INS अरिघात 15 के 15 या BO-5 मिसाइलें और 8 मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जबकि INS-3 जिसका अभी ट्रायल चल रहा है, इसमें 24 के 15 या BO-5 मिसाइलें और 8 मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। पनडुब्बियों से आई BCM दागने की क्षमता हासिल करना है अगला टारगेट, जिसके बाद भारत की रक्षा ताकत का मुकाबला करना हो जाएगा नामुमकिन। दोस्तों, भारत के कदम यहीं रुकने वाले नहीं है, बल्कि भारत इसके बाद पनडुब्बियों से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की क्षमता हासिल करना चाहता है, जिसके लिए भारत की मजबूत तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत की के सीरीज की मिसाइलों में K-5 और K-6 मिसाइलें ये ताकत रखती हैं, जबकि अग्नि-5 का भी सबमरीन वर्जन 7 से 8 हजार किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। मतलब भारत की तैयारियां बेहद पुख्ता हैं। भारत सबमरीन्स के लिए और भी कई मिसाइलें तैयार करने में लगा है। पनडुब्बियों से परमाणु हमला करने की ताकत कई मायनों में किसी देश की ताकत को कई लेवल पर मजबूत कर देती है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कभी किसी देश से हमारी जंग होती है, ऐसे में अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो वो इस तरह से हमला करेगा कि वो एक साथ हमारे तमाम हथियारों को तबाह कर दे, जिससे हम कोई रिएक्शन न दे पाए। ऐसे में काउंटर अटैक के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि परमाणु बमों से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमानों को ऐसी जगहों पर तैनात रखना जो परमाणु हमले के बावजूद दुश्मन को जवाब दे सके। ऊंचे पर्वतीय इलाके, दूर अंडमान निकोबार जैसे द्वीप और मिसाइल छिपाकर दागने के लिए अंडरग्राउंड साइलोस यानी भूमिगत ठिकाने ऐसे में मजबूत भूमिका निभाएंगे, जबकि जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों और विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता के साथ समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइल दागने की ताकत दूसरा विकल्प है। इनमें परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियां सबसे ताकतवर विकल्प हैं, क्योंकि युद्ध पोतों को तलाश कर डुबोया जा सकता है, लेकिन गहरे समुद्र में गोता लगा रही पनडुब्बी को तलाशना आसान नहीं, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती हैं, क्योंकि इनमें परमाणु रिएक्टर होता है जो इन्हें चलने के लिए एनर्जी देता है। इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जबकि डीजल सबमरीन्स को ईंधन दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इसे बार बार समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। इस वजह से इन्हें दुश्मनों के हमले का खतरा बना रहता है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाली पनडुब्बियां किसी भी देश की ताकत में इजाफा ऐसे करती है कि जैसे भारत चीन के बीच जंग होती है, ऐसे में हमारी अग्नि-5 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, जबकि इसका SLBM रेंज ज्यादा है। ऐसे में परमाणु पनडुब्बी समुद्र के अंदर से किसी भी इलाके में जाकर उसके किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है, जबकि जमीन से हमला करने में उसके कुछ इलाके रेंज से बाहर जा सकते हैं। वहीं जंग के वक्त में जमीन और आसमान पर तो नजर रखी जा सकती है, लेकिन समंदर के अंदर पानी में नजर रखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि भारत अब जो पनडुब्बियां बनाने जा रहा है वो पंप जेट प्रोपल्शन तकनीक से लैस होंगी। मतलब ये समंदर के अंदर बिल्कुल खामोशी से मूव करेंगी, जिन्हें डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अरिहंत क्लास की दोनों परमाणु पनडुब्बियां 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली परमाणु मिसाइलें दागने की क्षमता रखती है, जो हमारे IBCM मिसाइलों से लैस होने के लक्ष्य की दिशा में बेहद मजबूत मील का पत्थर है। तो दोस्तों, भारत के इस नए लड़ाके INS अरिघात की ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।